Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. आज के शो में हम आपको लेके जाने वाले सेंट्रल एशिया में. सेंट्रल एशिया को हम लोग कभी केतुमाल वर्ष भी बोलते हैं. केतुमाल पुराणों में केतुमाल बोला जाता है. जिस तरह हिमालय के नीचे भारतवर्ष, उसी तरह सेंट्रल एशिया जो है मेरू पर्वत की पश्चिमी दिशा में केतुमाल वर्ष. चलिए उसके बारे में आज जानते हैं. आज का नाम उसका कुछ और है. मेनी कंट्रीज आर मेड देयर. सेंट्रल एशियन स्टेट्स बोलते हैं. पहले यूएसएसआर का पार्ट था. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते. नमस्कार जी. नमस्कार. आज का विषय जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आश्चर्य बहुत है कि मैं तो सोशल मीडिया पर मेरी एक्सेस थोड़ी सी ही है, मुझे कहीं दिखा नहीं. और ये सारे मामले दो चार साल के अंदर हम लोगों के सामने दिखाई देंगे, आने लग जाएंगे. तो इसमें एक कम्युनिस्ट का साक्ष्य मैं दूंगी, एक मैं यूरोपियन का साक्ष्य दूंगी, एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट का साक्ष्य दूंगी. मैं 7 पुस्तकें लेकर बैठी हूं, धीरे धीरे सारे साक्ष्य दूंगी कि मध्य एशिया तो भारत ही है, था नहीं, है. अभी 100-150 साल पहले तक पॉलिटिकल भारत का ही अंग था और है. किस अर्थ पर? इलीगल ऑक्यूपेशन. किसने किया इस क्षेत्र में? 2 कम्युनिस्ट ब्लॉक ने, एक सोवियत रशिया ने और जो इधर वाला हिस्सा है तिब्बत और सिक्योंग, इस वाले हिस्से पर कम्युनिस्ट चाइना ने. तो इस विषय को शुरू करते हैं. मेरे हाथ में जो सबसे भारत का निकृष्ट कम्युनिस्ट है, राहुल सांकृत्यायन. सोवियत मध्य एशिया, नाम ही बता रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन. राहुल सांकृत्यायन, छपा है ये किताब महल से. अब उपलब्ध है कि नहीं मुझे पता नहीं. मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं एकदम चौंक गई कि भाई वो ये सब क्यों लिखेगा. तब मैंने प्रीफेस पढ़ा और तब मैंने पुस्तक के नाम पर ध्यान दिया, सोवियत मध्य एशिया. कम्युनिस्ट सेवा करने गया है किसका? सोवियत लोगों का, यानी रूसी लोगों का. कम्युनिस्ट रूस का सेवा करने गया है. तो सेवा में ऑब्स्टिकल कौन है? ऑब्स्टिकल है मियां लोग. कब लिखी गई है ये पुस्तक? जहां तक मुझे ध्यान है ये लिखी गई है बापू निर्वाण छठा दिन, 1948 फरवरी 1948 में इसका वो है, छपी है. लिखा है 1938 में द्वितीय सोवियत यात्रा से लौटने के बाद. तो मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो है चतुर्थ संस्करण 2012 वाली. तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी. इसका जो प्रीफेस है वो है मध्य एशिया के 5 प्रजातंत्र. ये जो राहुल सांकृत्यायन कम्युनिस्ट भाई हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन 5 की बात कर रहे हैं. क्यों इन 5 की बात कर रहे हैं? 1938 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ये किसके कब्जे में है? सोवियत रूस के. 1917 के बाद वो सोवियत रूस है. तो सोवियत रूस के कब्जे में है और ये सब क्या है? भारत है. या 2-4 प्रिलिमिनरी बात मैं बता दूं, ये जो 5 नाम है ये 5 1990-91 में सोवियत रूस जब पोस्ट गोर्बाचोव
पेरेस्ट्रॉइका में टूटता है तो ये पांचों अलग हो जाते हैं। इन्हीं पांचों को आजकल सेंट्रल एशिया कहा जाता है, लेकिन सेंट्रल एशिया इससे बहुत बड़ा है, मध्य एशिया बहुत बड़ा है। अभी शुरुआत हम कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक यानी इन पांच से। अब दूसरा एक चीज और बता दें, ये पूरा क्षेत्र जो है क्या है, शाकल द्वीप अंग्रेजी वालों में सीथिया, शकस्तान। शक कौन है? शक भारतीय मूल के हैं, इनको छत्री के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, उसमें ये लोग मूलतः पशुपालक हैं, लड़ाके हैं और ट्रेडर्स हैं। अब इस भूमिका के बाद मैं श्रीमान राहुल सांकृत्यायन को पढ़ के सुना रही हूं। जाति के विचार से पहले पन्ने पर पढ़ रही हूं मैं, मध्य एशिया के पांच प्रजातंत्र, पहला अक्षर। जाति के विचार से कजाक, किर्गिज, उज्बेक और तुर्कमान तुर्क जाति से संबंध रखते हैं। ये तुर्क कौन है? तुरुस्क है। तुरुस्क को ये तुर्क कह रहे हैं। सब जगह अपभ्रंश का मामला है, नाम बिगाड़ने का मामला है। तुरुस्क कौन है? जो जगदम्बा दुर्गा की आराधना करते हैं, जो भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं, जो देवराज इंद्र की आराधना करते हैं, जो नटराज शिव की आराधना करते हैं, जो शेष पर योग निद्रा में लीन क्षीर सागर में स्थित श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, जो ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जक मानते हैं। ये हैं कौन? तुरुस्कों का अबादित्य जी बैठे हैं, तो मैं बीच बीच में रुकती रहूंगी, भारतीय साक्ष्य वो देंगे आपको। ये तुरुस्क कौन है? अरे भाई, भरतवंशी है, सनातन धर्मी है। तो राहुल सांकृत्यायन महोदय क्या कह रहे हैं? जाति के विचार से कजाकिस्तान, किर्गिज किर्गिस्तान, उज्बेक उज्बेकिस्तान, तुर्कमान तुर्क, ये तुर्कमेनिस्तान, ये कौन है? ये तुर्क जाति है। अरे आगे बढ़ना भाई, ये तुरुस्क है, ये भरतवंशी है। एक लाइन मिस। आगे सुनिए, किर्गिज और कजाक की भाषा एक दूसरे के बहुत नजदीक है, आगे आएगा जगह जगह से और बताऊं। सब संस्कृत पाली ब्राह्मी से निकली हुई भाषाएं हैं, संस्कृत के नजदीक की भाषाएं हैं। नक्शा अगर आप दिखा दीजिएगा, पांचों स्थान कहाँ है? कश्मीर के ठीक ऊपर है। किर्गिज और कजाक की भाषा एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इन दोनों की भाषा उज्बेक से भी अपेक्षाकृत नजदीक है। तुर्कमान भाषा पश्चिमी तुर्की भाषा से संबद्ध है। तुर्क कौन है? भारत है। तो भाषा क्या है? संस्कृत है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक संस्कृत भाषा के पांडुलिपियां मिली हैं। फिर कह रहा है, ताजिक भाषा की गलचा वह स्थानीय भाषा है जो ईरानी के पास रहते हुए भी कितनी बातों में संस्कृत के नजदीक है। क्यों संस्कृत के नजदीक है? क्योंकि संस्कृत बोलने वालों की भाषा है। कालांतर में जो बिगड़ के तद्भव हो गई, बिगड़ गई, ये सनातन धर्मियों की भाषा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर पॉलिटिकल मैप हो तो आप वो दिखा दीजिएगा, लोग लोकेट कर लेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं ये लोग? अब टुकड़ा टुकड़ा पढ़ रहे हैं। ये लोग पहले हाथ दिखाया करते थे किसको? ज्योतिषियों को। जन्म कुंडली दिखाया करते थे किसको? ज्योतिषियों को। कम्युनिस्ट भाइयों ने
कूट कूट के आदत छुड़ाई, आदतें छूटती नहीं है। आज भी जन्म कुंडली और हाथ दिखाने का है, क्यों है? सनातन धर्मी है, जहां ज्योतिष को पांचवा वेद कहा जाता है। अब ये आगे कह रहा है, मध्य एशिया की यह जातियां भारतीयों से बहुत समानता रखती थी। यही थी कब हो गया जी? 1850 के पहले तो कोई यहां अन्य था ही नहीं भाई। सोवियत रूस तो बहुत बाद में आया, 1850 के बाद आया है ना भाई। जो कन्वर्जन है मुसलमानों वाला, वो तो स्किन डीप भी नहीं है, ऊपर ऊपर का कन्वर्जन है। कारण, अरब के लोग तो छुट्टा छुट्टी यहां पर है ना, ये वही क्षेत्र है ना भाई। एक किताब मेरे पास नहीं है, हम फोटो नहीं दिखा पा रहे। चलिए अभी धीरे धीरे चलते हैं। कह रहा है यहां पर पेज 2 पर, आज जैसा इस्लामिक धार्मिक संगठन मजबूत कभी नहीं था। आज 1938 की बात कह रहा है, 1938 में भी कोई मजबूत इस्लामिक संगठन नहीं था। यद्यपि सारा मध्य एशिया हजारेक साल से इस्लाम में दीक्षित हुआ, यह शांतिमय तरीके से नहीं हुई। धर्म प्रचार तो या मजहब का प्रचार तो एक आर था, जिनके नाम पर कम्युनिस्ट लेखन, जिनके नाम पर लूट के लिए उत्तेजित कर देश विजय में सहायक बनाया जाता रहा। आज की कम्युनिस्ट की ये भाषा नहीं है, लेकिन 1938 में सोवियत रूस की सेवा में पक्का कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यान जगह जगह इनको बरबर लुटेरा असभ्य मियां लोग को बताएगा। अब मध्य एशिया में विशेषकर कजाकिस्तान में घुमंतू जातियां ही ज्यादा रहती थी, किंतु हिंदुकुश पर्वतमाला से सिर दरिया की कछार तक का भूभाग अपनी सभ्यता की प्राचीनता और विकास में अपने भाइयों भारतीयों से पीछे नहीं रहा। सबसे दुर्दांत कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन अपने भाइयों भारतीयों से पीछे नहीं रहा। अरे पीछे आगे का करेगा भाई, पूरा एक सा भारत क्षेत्र है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी। अब कह रहा है, सदियों तक वक्षु गंगा की समृद्ध भूमि में, जिसको ऑक्सस कहते हो, आमू कहते हो, इसका मूल संस्कृत नाम वक्षु है। जैसे ही रुकूंगी आदित्य जी, इतना डिटेल आप लोगों को देंगे कि आपको आनंद हो जाएगा। ताजिकों के पूर्वज सुग्ध ब्रैकेट में सोग्ध बहुत वीर थे। ताजिकों के पूर्वज कौन है? शक, सीथियन, सीथिया, शकलोग। शकलोग कौन है? सनातन धर्मी। तो आदित्य जी थोड़ा बात बता दीजिए, वक्षु नदी और आप तो वो कैस्पियन सागर भी दिखा रहे हैं, थोड़ा आप बताइए फिर मैं और आगे चलूं। एक्चुअली ये जगह इतना इतना वाइब्रेंट है सनातन धर्म के लिए। एक्चुअली मैं इसमें दर्शकों बारे में मैं बुक में भी लिखा है और बताया भी है पहले भी, और ये सारा मैंने पुराणों से रिसर्च किया है जी। मेरु पर्वत की पूर्वी के पश्चिमी दिशा, कितुमाल वर्ष, फिर शाकद्वीप, फिर समुद्र वरुण समुद्र वरुणालय। वरुण समुद्र कौन सा हुआ? वरुण समुद्र जनरली लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन ओशन को भी। अच्छा। लेकिन उसका जो वो अटलांटिक तक जाता है। हाँ। और ये हमारे अस्तालय, ये अस्तालय का मैप दिख रहा है मेरे मैप के ऊपर। हाँ। और एक किसी मन्वंतर में, इस मन्वंतर में नहीं, या पिछले युगों में इसी मन्वंतर में
जॉर्जिया में यहाँ पे मंदिर है एक इंद्र का, यहाँ पे उसका अभिषेक भी हुआ है, इंद्र भगवान। बहुत सुंदर। और ये पांडवों का जन्म भी इसी शतशृंग पहाड़ इसी एरिया में आते हैं, ताजिक पहाड़ों में ही आते हैं। ताजिक पहाड़ों में आते जी, शतशृंग पहाड़, और वहां ही पे पांडवों का भी जन्म हुआ है, एक्चुअली जन्म हुआ है। और वहां से पांडव नीचे आए हस्तिनापुर की तरफ, और अगर उनका हम लोग रूट देखें 17 दिन में आए हैं, 17 दिन में। तो इधर नीचे पहाड़ों से उतरकर फिर वो रथ के ऊपर बैठ के फिर इधर आए, वो तो पहाड़ों से उतर के कश्मीर वैली तक, फिर वहां सीधा हस्तिनापुर। महाभारत पढ़ेंगे तो ये पूरा क्षेत्र में एक एक पहाड़ नदी जंगल का विस्तार से वर्णन है, एक एक पहाड़ है। कौन सा पहाड़ इसके बाद आता है, कालकूट के बाद किधर पहुंचते हैं। और लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होगा कि आर्मेनिया में आज भी एक पहाड़ है, वो उसका नाम कालकूट है। और वहां के जंगलों का जो वर्णन है, वनस्पतियों का जो वर्णन है, पशुओं का वर्णन, किसके बाद उतरना है, किसके बाद चढ़ना है, फिर कौन सी नदी है। तो अब फिर दुर्दांत कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन, यहाँ बहुत से बौद्ध के विहार और पारसियों के अग्नि मंदिर थे। भैया बौद्ध बौद्ध कहना तुमने 19वीं लेट 19th अर्ली 20th में शुरू किया है, ये तो श्री हरि विष्णु का क्षेत्र है ना भाई। बौद्ध भी है लेकिन वो भी है, बाकी का वर्णन मैं सब फोटो दिखाऊंगी आप लोगों को। कई केतुमाल वर्ष में पुराणों में लिखा है, पुराणों में केतुमाल वर्ष में लिखा है कि वहां पे नरसिंह की पूजा होती है। हाँ, मूर्तियां मिली है नरसिंह भगवान की, मत्स्य अवतार की, वराह अवतार की, सबकी मूर्तियां हैं, गणेश जी हैं, बहुत कुछ है, वो आगे दिखाऊंगी। ये कह रहे हैं यह विहार शब्द ही तुर्की उच्चारण के अनुसार बुखार और बुखारा बन गया। यहाँ पुराने देवालयों के चिन्ह भी नहीं रहने दिया। नहीं भाई, बहुत देवालयों का भी फोटोग्राफ्स मैं भी दिखाऊंगी और आदित्य जी भी दिखाएंगे। लेकिन शुद्ध सभ्यता, अरे शुद्ध सभ्यता नहीं, शक सभ्यता, अरे शक सभ्यता नहीं, सनातन सभ्यता बिल्कुल लुप्त नहीं होने पाई। इसका इतिहास हम दूसरे पुस्तक में लिख रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने कोई और पुस्तक लिखी है। अब कह रहा है पेज संख्या 3, किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्कमान और ताजिक, ये पांचों स्थान अपनी अपनी भाषा, इतिहास, कला और संस्कृति में आज भी 1938 में भी पक्के राष्ट्रीय हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयता उनके लिए मुख्य चीज है, धर्म नहीं मजहब लिखना चाहिए, मजहब व्यक्तिगत विश्वास है। तो ये राष्ट्रीयता कौन सी है भाई? भारत। आपने पढ़ा हो, नहीं तो खोज के पढ़ लीजिए, गूगल उगल जो हो जहां हो खोज के पढ़ लीजिए, क्या 20वीं शताब्दी के पहले इन 5 स्थानों का नाम कभी सुना था क्या? और उसके पहले यहाँ कोई देश है, कोई राष्ट्र है, ये नाम कभी सुना है क्या भारत क्षेत्र के अलावा? और भारत के सभी पुराणों में, महाभारत में, और मैं आपको बताऊंगी महाभारत पुराण में नहीं, 19वीं शताब्दी में जब ये कब्जा कर रहे हैं तो झगड़ा किससे हो रहा है? भारतीय फौजों से। भारतीय फौज मैं किस आधार पर कह रही हूं? टैक्स कहां जमा होता है? अगर झगड़ा होता है तो किस शासन के नियमों से सुलझाया जाता है? तो ये टैक्स जमा होता है भारतीय ट्रेजरी में। अब आप कहेंगे साहब अब इस पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी इतना चलिए। अब यहां लिख रहे हैं पेज 4 पर, वहां का रंगमंच बहुत विकसित है
और ताशकंद की नवाई रंगशाला की तरह विशाल और भव्य नाट्यशालाएं बनी है। रंगमंच ये आपने भारत के अलावा कहां सुना है? मैं जम्बूद्वीप नहीं कह रही हूं, मैं भारत वर्ष कह रही हूं, केतुमाल वर्ष, वो सब डिटेल वो बताएंगे। अब आइए इनका पृष्ठ संख्या 5, कजाकिस्तान प्रजातंत्र। अब इसके पृष्ठ संख्या 6 पर कह रहे हैं कजाकिस्तान के लिए, शकों के यहां रहने से यह प्रदेश सत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। अरे भाई, इससे बड़ा कोई साक्ष्य चाहिए आपको? आजकल वालों को दो ही साक्ष्य मैटर करता है, अपने दो शत्रुओं का। सनातन धर्म के दो शत्रु एकेडमिक्स के क्षेत्र में, एक कम्युनिस्ट, एक यूरो अमेरिकन ब्लॉक। अभी यूरो अमेरिकन ब्लॉक भी मैं आपको सुनाऊंगी क्या कह रहा है। ये शकद्वीप है। आगे कह रहा है, वस्तुतः घुमंतु शकों की चारण भूमि, यानी जहां पशुपालक चरते हैं, चारण भूमि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक पूरब में गोभी की मरुभूमि। आज गोभी कहाँ है? गोभी का रेगिस्तान आजकल बताते हैं जी चीन में है। गोभी की मरुभूमि से पश्चिम में कार्पेथीय पर्वतों तक थी द होल एरिया, और उस समय तक हम इस महाभूखंड को महाशकद्वीप कह सकते थे। शकद्वीप किसका है भाई? भारतीयों के अलावा किसी का है क्या? यहाँ कोई रूसी नाम का प्राणी ईसा पूर्व में था क्या? जहां आज रूस है वहां भी रूसी लोग थे क्या? पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तक कोई रूस था क्या? कहां पर? जहां पर आज रूस है। तो मामला क्या है? इलीगल नेशन स्टेट्स आर्बिट्रेली क्रिएटेड इन 20th सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स बाई 3 यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन विद टैसिट कंसेंट ऑफ फ्रांस। और ये सब इस 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में जा रहे हैं। 21वीं सदी मतलब लंबा चौड़ा नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 1 साल जा रहे हैं। इसको हम एक लाइन आप लोगों को पढ़ के बीच में सुना दे, नहीं तो आप लोगों को लगेगा मैं ज्यादा गप सुना रही हूं। द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट डी कैपलान। इन सज्जन का नन्हा सा परिचय है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ये अमेरिकन है, इन्होंने ये कोई जितनी लाइन देख रहे हैं इनकी पुस्तकों के नाम है, इतनी पुस्तकें लिखे हैं। ये अमेरिकन विदेश विभाग और कौन जर्नलिस्ट और क्या दुनिया भर का लिखते पढ़ते हैं। रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी छपी है 2012 में, और एक जगह 2013 लिखा है। इसका अध्याय है 12वां, इंडिया ज्योग्राफिकल डायलेमा, पेज 228। इंडिया ज्योग्राफिकल डायलेमा कैसे दिखाऊं, ऐसे। ये अध्याय है, अध्याय 12। अब मैं 4-6 लाइन केवल पढ़ के सुना रही हूं, पूरा अध्याय पढ़ने योग्य है। ये कह रहे हैं द कुशाण, पेज संख्या 236 इस वाले पब्लिकेशन का, कई पब्लिकेशन है। द कुशाण एम्पायर, कुशाण एम्पायर जिसको हम लोग कहते हैं, द कुशाण एम्पायर इमर्ज्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी
इन बैक्टीरिया वेयर नॉर्दर्न अफगानिस्तान मीट्स ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड इट्स इंडो यूरोपियन रूलर्स, कुषाण को ये सब यूरोपियन बता रहे हैं, रूलर्स कॉन्कर्ड टेरिटरी फ्रॉम द फरगना वैली। फरगना कुछ बाबर के साथ याद आ रहा है क्या? फरगना वैली इन द डेमोग्राफिक हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया टू बिहार इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फरगना से बिहार तक कुषाण के कनिष्क महाराज का साम्राज्य है। अभी किस कोने से यूरोपियन हो गए, इन सबों की खोपड़ी से हो गए। अब द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन इज माइंड बॉगलिंग टू आवर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, ओवरलैपिंग एज इट डज फॉर्मर सोवियत सेंट्रल एशिया। कुषाण एम्पायर फॉर्मर 2012 की किताब है, 1990 में सोवियत रशिया टूट गया है, उसमें से ये पांचों स्थान निकल आए हैं, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। एज इट डस फॉर्मर सोवियत सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड मच ऑफ द नॉर्दर्न इंडियाज गैंगेटिक प्लेन। ये तो पुरानी बात है, कापलान को क्यों कहना पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए। द कुषाण एम्पायर फॉलोज रिवर वैलीज ऑन वन हैंड बट क्रॉसेस माउंटेन रेंजेस ऑन द अदर। जो माउंटेन रेंजेस, ये हमारा सामान्य रहा है भाई। महाभारत पढ़िए, आज से 5000 साल पहले, कुषाण एम्पायर करीब 2000 साल पहले, इनके अनुसार हम लोग के अनुसार करीब 2500-3000 होगा। ये सब सब जो भद्र कौन सा केतु माल वर्ष बता रहे हैं, नॉर्मल हमारा थोरोफेयर, हम जाते आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बट क्रॉसेज माउंटेन रेंजेस ऑन द अदर सो दैट इट बोथ फॉलोज एंड कंट्राडिक्ट्स ज्योग्राफी। अब सबसे क्रूशियल लाइन, आज ये हम पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल लेसन इन द फैक्ट दैट करेंट बॉर्डर्स मे नॉट necessarily indicate the last word in the political organization of Central and South Asia. South Asia माने भारत। भारत का इन सबों में नाम लेने में सबों को डर लगता है, तो ये सब भारत को हर जगह South Asia लिखते। तो मैं जो कह रही हूँ अपने मन से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे मन से कहने की कोई कीमत नहीं है। कीमत है कापलान बाबू क्या कह रहे हैं, जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो मैंने इस एडिशन के पेज 236 से पढ़ा कि कुषाण एम्पायर को देखने के बाद जो समझ में सिंगल लेसन है वो ये है कि जो आज के दिन राजनैतिक सीमाएं हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी लाइन नहीं है। गोरो कब मिटेगी गोरो की खींची लाइन, 21वीं शताब्दी में जल्दी मेरे नरेंद्र के जीवन काल में, क्योंकि हम भारतीयों ने नरेंद्र संबत चलाने का कामना किया है श्री हरि विष्णु से, तो विजय होगी। तो अब थोड़ा सा आप आदित्य जी। मैं जैसे जब आपने तो मेरी बुक देखी है ओरिजिनल एटलस। जी जी जी। दूसरा पार्ट आने वाला है मैजिकल एटलस। अच्छा। उसमें मैं
क्योंकि ये तो राहुल संक्रत्यान का एक एडमिशन है और मैं पहली बार बताई हूँ कि शत्रु क्या बोल रहा है हमारा। हाँ, एडमिशन, ये व्यू पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है एडमिशन है। हाँ, क्योंकि उसमें एडमिशन किया है उसने। तो जब पुराणों में जब गंगा के जब नीचे आने की जब बात होती है ना, तो वहां पे बात होती है कि गंगा जब ध्रुव लोक से विमानों के द्वारा मेरु पर्वत पे लाई जाती है, पर्वत पे लाई जाती है, तो वो चार दिशाओं पे बहती है, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। और दक्षिण दिशा को ये जो गंगा आती है उनको बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। लेकिन जो जो गंगा जो है पश्चिमी दिशा में जाती है वो उनका नाम है चक्षु, उसको बोलते हैं चक्षु। और चक्षु, वो चक्षु, हाँ लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ, उसका नाम ही चक्षु है। हाँ, और वो माल्यवान पहाड़ों से होते हुए केतुमाल वर्ष की तरफ जाती है। तो जो मेरु पर्वत के पश्चिमी के पहाड़ हैं माल्यवान है, मैं मैप में लोगों को दिखाता हूँ जैसे। हाँ, क्योंकि मतलब मैं पहली बार लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह वो अगर हम देखें, आप देखिए यहाँ पे देखिए नाम ही देखिए आप। इस जगह का नाम ही अक्षु है। अक्षु दिख ही रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जगह किजिशु, किजिलशु, किर्ग, अभी तो नए नए नाम है ये सब सारे। लेकिन ये यहाँ से गिर के पश्चिमी दिशा की तरफ जा रही है केतुमाल वर्ष में। और उसके चारों ओर ये पहाड़, ये जो लेक से तब की है, उस समय की भी है। और जो गंगा जो उत्तरी दिशा में जाती है वो जाती है कुरु के देशों में, उत्तर कुरु, क्योंकि इसके ऊपर उत्तर कुरु शुरू हो गया अलमाटी के ऊपर। वो भी इसमें दिया बताएंगे। हाँ, वो भी दिया हुआ है, लेकिन वो हम लोग कभी और भी कवर करेंगे क्योंकि ये एक शो का काम नहीं है। तो इतना एक्यूरेट है कि पुराणों से ये इतिहास, राहुल संक्रत्यान जो कि सनातन धर्म का दुश्मन है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन वो भी एडमिट कर रहा है कि ये इस तरह का देश है। और वो जाके मिलती है पश्चिमी समुद्रों की तरफ, पश्चिमी। तो जो पूरब में जाती है वो वांगो है शायद। पूरब में जो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बुक को ही देख रहा हूं मैं, तो जैसे अगर हम पूरब की तरफ जो जाती है उसका नाम है, तो पश्चिमी की तरफ हो गया आपकी की चक्षु, और जो दक्षिण की तरफ हो गया वो हो गया आपकी अलकनंदा, उत्तर की तरफ होगी सीता, और पूर्व की तरफ होगी भद्रा। अच्छा, भद्रा हो गई। तो वो वहां से, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि किस तरह गंगा जब नीचे आती, तो ये गंगा का जो मूवमेंट है दैट इज वेरी, वो नाम सारे मैच कर रहे हैं, नाम सारे मैच कर रहे हैं। अभी भी जो अपने लोगों के मूल नाम है ध्वनिया उसके आसपास है। बिगड़े हुए नाम भी जो इन लोगों ने बिगाड़ रखा है अल्फाबेट की कमी से, ध्वनिया भी मिलती जुलती है। उनका लोकल भाषा में पढ़ेंगे तो नाम कुछ और आएगा, अगर उनके लोकल प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे। जैसे जैसे मंगोलिया में कान जो होता है उसको बोलते हैं भेड़ चराने वाले को। हाँ, अब वो अंग्रेजों ने उसको खान बना दिया। हाँ, और सारे अपने आप को खान बुलाते हैं। खान मतलब किंग, किंग नहीं होता वो, होता है भेड़ चराने वाला। अच्छा, चलिए आप कंटिन्यू करिए, उसे बताइए जी। तो अब ये फिर कह रहे हैं ये अपने सज्जन, अभी हमने इस किताब से आपको कनिष्क और कुषाण साम्राज्य को याद किया, अब ये कह रहे हैं यहाँ के रहने वाले यानी कजाकिस्तान के रहने वाले शकों के बारे में। प्लीनी कौन है, इनका सो कॉल्ड ग्रीक जियोग्राफर, उसने सुना था कि वे लोग बहुत लंबे होते हैं, उनके बाल लाल और आंखें नीली होती हैं। ये जो एक शायद मैंने आपके चैनल पर चर्चा की है,
कौन सी जगह है वहां पर जो ममिया निकली है जीवित, तारिम बेसिन में, तारिम बेसिन की जो ममिया निकली है उनके बाल लाल हैं, आंखें नीली हैं, 6 फीट 7 फीट 7.5 फीट के लंबे हैं, ऐसे गाल दबाओ उन ममियों का, ये मिस्र वाली ममिया नहीं है, तो गाल ऐसे फूल जाता है। तो जब चीनियों को नहीं कम्युनिस्ट पार्टी वाले माओ एंड कंपनी को, ये शायद 49 के बाद 57-58 में है कभी, साल मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो मारे घबराहट के तारिम बेसिन की ममियों को इन्होंने बंद कराया, क्योंकि ये चीनियों की तरह नटुल्ले छोटे छोटे नहीं दिख रहे थे। तब यूरोप वालों ने कहा ये तो हम यूरोपीय लोग हैं। अरे भाई तुम जो यूरोपीय लोग हो, तुम लोग कौन हो भाई? तुम लोग भी तो सेंट्रल एशिया से गए हुए भरतवंशी लोग है हो। मैं चाहूंगी कि इसके बाद एक मुझे आप एक या दो टॉक इसी पुस्तक से यूरोप के बारे में करने की अनुमति दीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। अब तो ये कह रहा है कि लेकिन जैसा कि पहले कहा, हूर इस आदिम शक द्वीप में पहुंचे, तो जिन 5 स्थानों की हम बात कर रहे हैं, जिस सेंट्रल एशिया की हम बात कर रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन, आदिम शक द्वीप यानी शक द्वीप फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। फिर वो कह रहे हैं 5 सदियों तक हूणों के शासन में रहने तथा हूण चीनी संस्कृति से प्रभावित होने के कारण इन्हें भी हूण का नाम दे दिया गया, लेकिन नीली आंख और बहुत गोरे थे तो श्वेत हूण कहा गया, किंतु ये वस्तुतः शक है, इसलिए अपनी भाषा में नॉमनक्लेचर से हिस्टोरिसिटी को ट्रेस करना और उस पर अपना क्लेम करना सहज हो जाता है। भाषा का ये महत्व है। इन शकों का बढ़ते बढ़ते राज्य ग्वालियर और सागर दमोह तक फैल गया। तोरमान इन्हीं का राजा था। किनका? शकों का। शक कौन है? भारतीय है, सनातन धर्मी है। तोरमान इन्हीं का राजा था, जिसके पुत्र मिहिर कुल ने ग्वालियर में सूर्य मंदिर बनवाकर अपना लेख लिखवाया। बात कहाँ की हो रही है भाई? सोवियत मध्य एशिया की। इसमें तोरमान, मिहिर कुल, सूर्य मंदिर सब आ गया। कह रहे हैं पेज 7 पे, 5वीं सदी में अंतिम बार शक जो अपने आदि शक द्वीप को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, उसकी 12 शताब्दियों बाद फिर उन्हीं शकों की पश्चिमी शाखा की संतान रूसी शक द्वीप पर अधिकार करती है। रूस भी शक द्वीप है भाई, दिस इज गेटिंग टू मच, ये तो हम नहीं मान सकते। नॉर्मन डेविस की यूरोप, यूरोप सीरीज में मैंने आप लोगों को बहुत सुनाया है नॉर्मन डेविस। नॉर्मन डेविस का पेज 53, यूक्रेन इज द लैंड, जहां लड़ाई चल रही है, यूक्रेन इज द लैंड थ्रू विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन पीपुल्स अप्रोच्ड दियर इवेंचुअल होमलैंड इन एंशियंट टाइम्स। इट वॉज वेरियसली नोन एज सीथिया और सरमेशिया। सीथिया क्या है? शक द्वीप। अलग अलग भाषा में अलग अलग ढंग से उच्चारण। यूक्रेन भी शक द्वीप है। ये यूक्रेन ही मूलतः इसका कीव में ही सबसे पहले लोगों को रस कहा गया। रस रशियन, भारत में ये लोग रूसी हो गए, शब्द है रस। तो रूसियों के आने के समय ये रूसी लोग ही यहां नहीं थे। जिस सेंट्रल एशिया को ये सोवियत सेंट्रल एशिया कह रहा है, यानी भारत का विराट क्षेत्र, अभी बहुत आगे आएगा,
ये भारत का इतना विराट क्षेत्र उन रूसियों के अधिकार में गया, उन कम्युनिस्टों के अधिकार में गया जो 1000 साल पहले स्वयं ही नहीं थे। 1000 AD 1100 AD तक आप पढ़िए, यूरोप का इतिहास पढ़िए, किसी रूस का नाम आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, और कम से कम उस क्षेत्र में तो 13वीं 14वीं शताब्दी में सुनेगा। 11वीं 12वीं में जो रूस सुनाई पड़ता है वर्तमान यूरोप के, वर्तमान यूक्रेन के कीव में, और ये यूक्रेन क्या है, चकस्तान। तो अब इसको हम छोड़ रहे हैं, अब इसको छोड़ के हम थोड़ा और आगे आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं पेज 11 पर, किस पुस्तक के, इसके पेज 11 पर क्या कहता है, दो नदियों का नाम है, एक आमू ऑक्सस जिसको मैंने इसमें वक्षु पढ़ा, जिसको आदित्य जी अक्षु बता रहे हैं, उसी तरह एक और नदी है सिर नदी, इसका सही नाम भी आदित्य जी बताएंगे। तो ये कह रही है किसी वक्त शक लोग इसके किनारे नमदे के उन्हीं लंबे बूटों को पहने हुए अपने पशुओं को चराते फिरते थे जिन्हें हम शकराज कनिष्क की मथुरा वाली प्रतिमा और अपने यहाँ के हजारों सूर्य मूर्तियों के पैर में देखते हैं। कुषाण एम्पायर कनिष्क जूता मोजा पहने हुए है, जूता मोजा सनातन धर्मी ठंडे क्षेत्र में पहन रहे हैं, तो अपने सूर्य भगवान का जो मूर्ति बनाते हैं उसको भी जूता मोजा पहना देते हैं, और लंबा लंबा जिसको आजकल ओवरकोट कहा जा रहा है, जिसको ये लबादा कह रहे हैं, जिसको कजाक भी कहा जाता है, जिसके आधार पर इन लोगों को कजाक, कुजैक, कजाकिस्तान, कुजैकिस्तान कहते हैं। तो एक चीज ये बताया हमने, अब एक दो चीज और बताते हैं। एक, कजाक भाषा में, कजाक कौन हुए, शक लोग हुए, कजाक भाषा में ये कह रहा है राहुल सांकृत्यायन, अरे इतना सुंदर नाम था केदार पांडे जी, अपने नाम को छिपाने के लिए पता नहीं क्यों इन लोगों में इतनी हीनता है। तो कजाक वीर गाथाओं की मौलिकता से मैं बहुत आकृष्ट हुआ, यानी यदि भारत सरकार या विद्वान लोग कजाक वीर गाथाओं का अध्ययन करेंगे तो उनको महाभारत के, रामायण के और पता नहीं कितने पुराणों के संदर्भ उसमें मिल जाएंगे। कह रहा है यहाँ एक कोई नाम है ओलोफ, इसने जिन गाथाओं का संग्रह किया है वह कजाकों में नहीं बल्कि किर्गिज, कराकल्पक और उज्बेक जैसी मध्य एशिया की जातियों में भी प्रिय है। यानी ये जो डिवीजन है ये आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी डिवीजन है इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी का, विच इज गोइंग टू मेल्ट इन 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स वेरी सून। ये पूरा क्षेत्र एक है। अब इस क्षेत्र की टोपोग्राफी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये जगह समतल है, फैला हुआ है, घास के मैदान है, वृक्ष कम है, टेम्परेचर बहुत एक्यूट है, यहाँ ठंडे रेगिस्तान बहुत है, पहाड़ियां बहुत हैं, और पहाड़ से तेजी से उतरने वाली नदियां हैं जिससे मैदान नहीं है, छोटे छोटे ओएसिस हैं। इस कारण से सेटल्ड पॉपुलेशन जिसको नगर गांव कहते हैं ये नहीं के बराबर है, जो है वो वहां है जहां थोड़ा बहुत खेती संभव है, छोटे 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 डॉट्स हैं जिसको समरकंद कहते हैं, बिहार को बुखारा कहते हैं, ताशकंद कहते हैं, ऐसे बहुत सारे 8-10 और या नन्हे नन्हे ये सेटलमेंट है। कब, आज से 50 साल पहले, आज से 70 साल पहले तक अचानक यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, तो इसको
सोवियत रूस वालों ने ये नए आर्बिट्रेरी नाम दिए और ये इलीगल नेशन स्टेट है क्रिएटेड बाय कम्युनिस्ट ऑफ रशिया। अब तो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, तो जाने वाला है। अब एक और सुनिए, इसको सुना के मुझे लगता है ये दो तीन खंड में चलेगा। अब ये पेज 37 पर कहते हैं उइगर बहुत पुरानी जाति है। अरे बात तो सोवियत सेंट्रल एशिया की हो रही ना, उइगर कहाँ आ गए? उइगरों को तो ये लोग बताते हैं जी जिनजांग में है, सीक्योंग में है, उसको वो क्या कहता है? चाइनीज तुर्किस्तान। ये कहता है सोवियत सेंट्रल एशिया। हम तो नहीं कहते हैं भारतीय तुर्किस्तान, हम तो नहीं कहते हैं भारतीय उत्तर प्रदेश, भारतीय बंगाल, भारतीय कश्मीर। क्यों? ये हमारे नेचुरल कंपोनेंट है भाई, ये हम हैं भारतीय। कुसुम लता हाथ, कुसुम लता नाक, कुसुम लता आंख, हमको कहने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूं। तो अब उइगर लोग कौन है? इनका संबंध हूण और तुर्क जाति से निकट का है। तुर्क तुरुस्क सनातन धर्मी। चिंगिस खान को बड़ा बनने के लिए पहले उइगरों को ही दबाना पड़ा। और ये कह रहे हैं ये जो उइगर लोग हैं ये कौन है? मूलतः ब्राह्मण लोग हैं और ये दरबारों में लेखन का काम करते हैं। पेज 38 पर कहते हैं लेखक या कायस्थ का काम अधिकतर भिक्षु या गृहस्थ उइगरों के हाथ में था। भिक्षु शब्द उइगर उच्चारण में बख्शी हो जाता है। तो कौन सा ये पूरा क्षेत्र हुआ? अभी तो मैंने केवल तिब्बत की कहानी आपको बताई, आज सेंट्रल एशिया में आए लगे हाथ सिक्योंग उइगर, जिसको 1949 में 15 अगस्त 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट माओ के हाथ में भारत का क्षेत्र सौंप दिया, जिस पर कतई कोई बहस कहीं नहीं। मैंने आपके यहाँ एक टॉक किया था कि सेना का जहां डिप्लॉयमेंट है कब? लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में, उससे पता चलेगा भारतीय सेना कहाँ है, चीनी सेना कहाँ है, भारतीय सेना कहाँ है, रूसी सेना कहाँ है। भारतीय सेना अपने क्षेत्र में खड़ी है और रूसी और चीनी सेना या तो ऑक्युपाइड क्षेत्र में है या अपने क्षेत्र में। जी आप कुछ कह रहे थे, 48 मिनट हो गया। नहीं, दो चार मिनट पुराने शो में आपने बताया है, लोग प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, वो उसमें आपने बताया है कि चीनी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे थी। तो उसमें हाँ, उसमें तो आज जो मैं मैप पे दिखाता हूँ कि उसमें जो सेना का डिप्लॉयमेंट है ये रेगिस्तान के पूर्वी दिशा में है। हाँ, ये रेगिस्तान है तो भारतीय सेना का डिगा और इस तरफ है, जिगवान की तरफ है। और यहाँ पर कहीं कासगर है, ये जगह पे कासगर हाँ। दिखाइए काशी कासगर, कासगर एकदम यहाँ पश्चिमी छोर पर मिलेगा। इसका नाम अभी भी एटलस में काशी मिलेगा आपको। हाँ, काशगर ये रहा, काशगर। हाँ, तो यहाँ तो ब्रिटिश एजेंट बैठा हुआ है ना भाई 15 अगस्त 1947 को। हाँ, तुमने कैसे उठा के चीन को दे दिया? और ये देखिए ये एटलस ऑफ चाइना किसका है? नेशनल ज्योग्राफी का। इसका पेज नंबर 100, ये जो नक्शा है, ये जो जरा सा लाल दिख रहा है, इतना ही है ना चीन? आज से 2300 साल पहले तक, वो अक्टूबर 1949 में भी पूरा सिक्योंग और तिब्बत चीन थोड़ी था, बिल्कुल नहीं था। ये तो जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। तो जो 20वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में गया
वो 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में लौट रहा है। क्यों? अमेरिका जो सिकुड़ रहा है, जो आपके यहाँ अंकित जी बताते रहते हैं, ये सिकुड़ता हुआ अमेरिका अपने राइवल्स के पास भारत का क्षेत्र कैसे रहने दे सकता है? जवाहरलाल नेहरू जैसा एजेंट तो है नहीं कि कहता मेरी खोपड़ी पर बाल नहीं है, वहां तिनका नहीं उतारे मूरख, धरती के नीचे भी तो बहुत कुछ होता है और धरती के अपने लोकेशन का बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व होता है भाई जी। तो आज तो बहुत थोड़े में ही समय हो गया, अगली बार लेते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है 5 मिनट और करें, 5-10 मिनट और करें। कंक्लूड तो ये किताब ही नहीं होगा, इसमें कितने पन्ने मैंने मोड़ रखे हैं। 100 करेंगे, बहुत शोर करेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम किर्गिस्तान पर आ गए। कह रहा है इसमें एक नाम ले रहे हैं जो फिर आपका आ गया, इसी कुल महासरोवर जो किर्गिस्तान है इसके पास कोई किस क्या है नाम, मेरे लिए तो बड़ा कठिनाई है भाई, आपके काम की चीज है आप, और आगे दो जगह नाम मिलेगा मैं बता दूंगी। तो कौन कह रहा है फिर कम्युनिस्ट, किसी गुल महासमुद्र का है, अब इसका कम है हम छोड़ दे रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ ये कह रहा है कि किर्गिस्तान में मानस नाम का एक महाकाव्य है। हम लोग तो सोचते थे कि तुलसीदास जी का रचित ही रामचरितमानस है। पेज 59 पर कह रहा है किर्गिज जनता ने अपने एक उत्कृष्ट काव्य मानस को कंठस्थ करके बचाया है। मानस, तो इस मानस को हम लोगों को ढूंढना नहीं चाहिए क्या? भारत सरकार का जो एक है ना सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, वो किसी को लगा दे। हमारे यहाँ के आल्हा की तरह मानस भी बहुत जनप्रिय काव्य है। राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं क्या ये रामचरित मानस ही है या कुछ और है, क्योंकि रामायण तो सर्वव्यापी है। कह रहा है किर्गिज जनता के सांस्कृतिक जीवन में कितनी ही सदियों तक मानस का इतना महत्वपूर्ण भाग रहा कि हम उसे एक जाति प्रतिष्ठान कह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा गाथा काव्य है। मानस नाम मियां लोग की कथा तो नहीं है, सदियों से है तो कम्युनिस्टों की भी कथा नहीं है। मैंने उसका नाम स्क्रीन पे डाल दिया है, इसी कुल हाँ इसी उसको कुल, भी उसको बता रहे हैं। ये रहा, ये इसी कुल कहाँ पर है? ये किर्गिस्तान में है, अल्माटी। अच्छा, इसकी उत्तरी दिशा से आपका उत्तर कुरु शुरू हो जाता है और यहीं पे मानस मिलती है, मानस यहीं पे बात होती है। अच्छा अच्छा, अब तो मानस को भी ढूंढने की जरूरत है जी। मैं 3 दिन से स्पीच सुन रहा हूँ मोदी जी की, वो बोल रहे हैं, एक उन्होंने कमेंट दिया कि भारत को दूसरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। हाँ। बोला उन्होंने, और फिर उन्होंने असम में एक उसपे हमारा शो जाने वाला है मैडम करके, अहम राजाओं का था कि उन्होंने वो डिस्कवर किया। हाँ। अब दर्शकों का जान के आश्चर्य भी होगा कि गीजा का पिरामिड, मैं तो उसको मंदिर बुलाता हूँ महादेव का। हाँ। गीजा का महादेव का सारे पिरामिड मंदिर है महादेव के, तीसरी आंख को दिखाते हैं, तीसरी आंख। अच्छा, भारत के विमान शैली के मंदिर जो कि सारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र में है, और साउथ अमेरिका के सारे मंदिर जो अगेन विमान, क्योंकि जो पिरामिड का शेप है विमान का शेप है, वो मन को ऊपर लेके जाना है। तो उन्होंने जो देवताओं के जो विमान आते हैं उसके आधार पे बनाया है, देवताओं के विमानों में पंख नहीं होते। अच्छा,
हाँ वो किसी और टेक्नोलॉजी से उड़ते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी विमान शास्त्र में लिखी हुई है। और तो ऑल दीज प्लेसेस हाउ कैन दे आर ऑल सिमिलर, अगर एक जगह के लोग नहीं गए हर जगह तो। हाँ हाँ बहुत सही कह रहे हैं। चलिए आप कंटिन्यू करिए। देखिए अब आ गए ये तीसरा कौन, वही राहुल सांकृत्यायन, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्व रखता है। यही भूमि अपने मूल स्थान से आए आर्यों की प्रथम भूमि है। आर्यों की भूमि है भाई, आर्याना वेजा, आर्य बीज की जिस पवित्र भूमि का वर्णन अवेस्ता में आया है, जिसे हमारे यहाँ यानी भारत में उत्तर कुरु कहा गया है, आदित्य जी का क्षेत्र का विषय, वह यही है। उज्बेकिस्तान क्या है? उत्तर कुरु है। अरे महाराज ये भरत क्षेत्र हुआ कि नहीं? अर्जुन की सेनाएं उत्तर कुरु का वर्णन है कि नहीं? सीता जी के खोज में उत्तर कुरु का वर्णन है कि नहीं? आमू दरिया का पुराना नाम वक्षु था, अक्षु था, वक्षु था, जिसे यूनानियों ने ओक्सुस कर दिया। इसकी एक ऊपरी शाखा का नाम अब भी बक्ष है। जरफसा इस प्रजातंत्र के कटी प्रदेश में बहती है, जिसने अपना नाम देकर प्रदेश को सुग्द या सोग्द, सकस्थान, सकद्वीप के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। अब बहुत सा चीज हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ अब ये लिखता है, कनिष्क की तरह कितने ही शक राजा उत्तरी भारत और वर्तमान उज्बेकिस्तान के शासक रहे हैं। और बड़ा प्रमाण चाहिए क्या? शत्रु के मुख से भाई, हमारे जो अपने स्रोत हैं वो तो आदित्य जी ने ओरिजिनल एटलस में भर ही दिया है, पुराणों के आधार पर और हमारे शास्त्रों के आधार पर। शत्रु क्या कह रहा है? कितने ही शक राजा वर्तमान उज्बेकिस्तान यानी उत्तर कुरु के शासन के शासक रहे हैं। उनकी प्रथम राजधानी उशानिवा अब भी जारफसा उपत्यका में एक कस्बे के तौर पर मौजूद है। आदित्य जी और दुनिया भर का है वो सब छोड़ रहे हैं हम, तो इसको अगले शो में हम कवर करते हैं, इसको अगले सीरीज में। दर्शकों को मैं बोलता हूं कि प्लीज आप लोग नेक्स्ट सीरीज भी देखिएगा इसका, देन यू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और लॉट मोर इंफॉर्मेशन इज देयर। लेकिन अभी तो यही बाकी है। Now we have to change our mindset, क्योंकि जो हमको सिखाया गया है वो सत्य नहीं है। जो हम लोग अब देख रहे हैं thanks to internet and thanks to I'll say wonderful, कितनी मोटी किताब है वो मुझे दिखानी है। मुझे एक ऐसी 4-5 किताबें हैं वो दिखानी है। मुझे एक ये दिखानी है, एक वहां पड़ी है। 10-20 किताबें तो केवल आर्ट पर है मेरे पास। आप अनुमति देंगे तो मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल। मैं 21 साल की थी तब से मैंने आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर पर बहुत पढ़ा, लेकिन आज तक कभी बोला नहीं है। पंकज जी वो किताब दीजिएगा एक बार, वो और दिखा दो। ऐसी 10-1 किताबें और दिखानी है मुझे जी। जैसा अजंता एलोरा में है सब कुछ, वहां भी वैसा ही है। देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन और एवरीडे गेटिंग प्रूव्ड। क्या होता है कि बाकी सब देशों में उनकी गवर्नमेंट्स टेक प्राइड इन डिस्कवरिंग देयर कल्चर एंड हेरिटेज, ऐसा होता है। अमेरिका में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन एंग्लो सैक्सन गवर्नमेंट जो है एंग्लो सैक्सन वैल्यूज को ही दिखाएगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सब कुछ होते हुए भी, आप जैसे लोग हैं भारत में अभी भी, फिर भी
भारतीय गवर्नमेंट तो दूसरों की लिखी हुई किताब बस दिखा रही हूँ, मेरा तो इतना ही रोल है थोड़ा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सारा इन्फॉर्मेशन है और हाँ। और फिर भी जो है ये तो भारतीय क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो सेक्युलरिज्म का की जो कीड़ा है इतना भर चुका है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो धर्मेंद्र प्रधान को बोलता आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ये शोज देखिए और एटलीस्ट कुछ तो करिए एजुकेशन में। इट इज अ शेम टू इवन आस्क, एक्चुअली पूछता ही नहीं, छोड़ दीजिए, जगन्नाथ जी को बोलते हैं, इट्स टू मच। लेकिन सब अपने आप होगा, अपने आप होगा, आप देखिएगा 2-4-5 साल के अंदर। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरे को दिख रहा है 2-4-5 साल, इससे ज्यादा नहीं। भारतीयों को उनका इतिहास मानना जरूरी है। दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई जैसे कोई भी लीडर नहीं हुए मॉडर्न टाइम्स में, जो ब्रिटिश के साथ अपने पीठ पे एक बालक को रख के युद्ध करे और ब्रिटिश ने पीठ में गोली मारी और उन्होंने उस समय उस बच्चे को सामने रखा था, पीछे नहीं, पीठ में गोली मारी। तो ब्रिटिश की कायरता, आप लोग सास बोलते हैं, SAS स्पेशल सर्विसेज, ये कायर लोग हैं सारे के सारे, एंग्लो सैक्सन कायर लोग। इस कायरता को दिखाया नहीं किसी ने। आज भी हमारे लोग कायर लोगों की जैसे बात करते हैं, गीदड़ में मारते हैं, ये लोग सब गीदड़ है। जैसे गीदड़ क्या होता है, मरे हुए जानवर को खाता है, शेर जब शिकार कर लेता है जो बच जाता है उसको गीदड़ खाता है। तो पूरा आप अपने आप को बोलते भी हैं, वी आर अ पैक ऑफ वुल्व्स, बोलते ही अपने आप को। उन्हीं के भाषा में वी एक्सेप्टेड, तुम लोग सब सारे गीदड़ के झुंड हो। उस तरह की हमको इनके वेस्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है। नेटो अकेले अटैक नहीं करता, नेटो 29 देशों के साथ अटैक करता है, पैक ऑफ वुल्व्स। शेर, उसके एक शेर जो है ना सारे गिदड़ों को भगा सकता है, लेकिन हमको सिखाया नहीं गया। हमको बोला कि आप सोने की चिड़िया। 2-4 साल में हम लोग आप कहेंगे कि केडिया जी ने ये कहा था, देखो हो गया। नहीं, मैंने एक लेक्चर दिया था बहुत साल पहले कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला गया। ये अजम इस्लाम के फॉलोअर्स ने बोला, जो कि ईरानी इस्लाम थे, एज ए रिबेल दे क्रिएटेड इट। क्योंकि अगर वो अपने लोगों को बोलते कि सोने का शेर है तो कौन मोटिवेट होता लड़ने के लिए, आने के लिए। उन्हें सोने की चिड़िया है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो उन्हें शेर मिले, यहाँ पर राजपूत मिले। तो अरे, अभी अंबानी की जो शादी हुई है वही बताती है हमारे जगत सेठ नगर सेठ कैसे होते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे ऐसा कोई एक थोड़ी होते थे, ऐसे सैकड़ों थे हमारे पास, फिर होने वाले हैं। अभी तो पूरा इंटरनेट उसकी शादी पे अभी भी चल रहा है, इंटरनेट ही चल रहा है पूरा। हाँ। इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम रील्स अंबानी की शादी पे चल रहे। हाँ, अभी बहुत चलेगी, बहुत कुछ होगा हमारे आपके मेरे जीवन काल में होगा। चलिए दर्शकों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप देखिए इस वीडियो को, ध्यान से नोट्स बनाइए, उनके आग्रह पे मैंने अपने पॉइंट्स रखे, नहीं तो मैं उनकी टॉक में आपको बहुत रखना, आगे भी बहुत रखना है, क्योंकि वो पार्ट मैंने छोड़ दिया, आप करेंगे पूरा जी। तो फिर सबको नमस्कार, अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग दोबारा तिबारा इसको पूरा कर देंगे। यस, जय जगन्नाथ, नमस्कार।